इस वक्त मौजूद हैं हम लोग बाब खैबर पे, तो यहाँ पे जवान जो है ना फोटोग्राफी कर रहे हैं, तो ये आप देख सकते हैं सीन। तो ये बड़ा मशहूर नोट पे भी मिलेगा आपको, पता नहीं किस 50 वाले पे है या 20 वाले पे, लेकिन एक नोट पे ये बाब खैबर मौजूद है। ये जो बाब खैबर है ये खैबर एजेंसी और पेशावर के बीच में पड़ता है ये गेट, मतलब इस साइड पे जो है ना आगे वाली साइड पे खैबर एजेंसी है, इसके अंदर जब आप जाएंगे तो पेशावर वाली साइड पे आप टूरिस्ट स्पॉट है, बड़ा पॉपुलर है। तो मेरा वो ड्रीम था कि इधर मैं पिक्चर ले लूँ, तो वो मैंने ले लिया। तो यार ये आप बारिश के बाद जो मौसम हुआ है ना कसम से, तो इस पर सारा कुछ हिस्ट्री डिटेल ये वो इस वॉल पर लिखा गया है, तो आप पॉज करके पढ़ सकते हैं कि क्या क्या लिखा है। ब्रिटिश जो आए हैं इंग्लिश और उर्दू में दोनों, इसका इसके बाद पाकिस्तान वाले दौर में, ये सारा कुछ जो है ना हिस्ट्री इस वॉल पे मेंशन है। बस भाईजान पिक्चर्स हो चुके हैं बाब खैबर पे, हमारा बाब खैबर है देख सकते हैं आगे। बस वो हो गया, तो ये सीन कंप्लीट है भाई, बस अभी यहाँ से निकलते हैं। ओके बाब खैबर, तो यार ये बाज़ार जो है ना पूरा, मतलब यहाँ आपको चर्च मिलेगा आराम से। तो ये सीन है कि जिसने भी नंबर वाली F-16 बनना है जहाज, वो आके यहाँ से कोर्स लेके यहाँ से जा सकते। मैं पागल वागल हो गया, रिवाइंड करूँ जरा, बड़ा वाला जहाज यहाँ से बन के, ये पुल बंद है, इस पुल मेन पुल पे फिर वहाँ से पुल पे चढ़ जाएगा, ठीक है, वहाँ से फिर खोलता है नीचे ऊपर ऐसा नहीं, मेन पुल पे हमें जाना था, लेकिन ये इस वाले पुल ठीक है जी। तो इधर नहीं है, उधर अलाउंस हुआ है लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं किया। इधर एक इलाका है चिराटा, वो तकरीबन होगा जहाँ से हम लोग बैठ गया ना वहाँ से 1.5 घंटा दूर है, उस साइड पे इस्लामाबाद की तरफ जाना, वो बहुत खूबसूरत इलाका है, फौजी एरिया है उधर जो है ना, इस तरह एक है उस जगह का वो खटक लोग है, उनको लोग बता रहे छोटा लंदन, लेकिन उनका सब लोग जो है ना बाहर है और फौजी एरिया नहीं है। बस ये देख लिया ना, देख लिया बस ना ले, हाँ बस देख लिया, उधर भी इस्लामाबाद तो ये पेशावर लव फॉर एवर। तो जवान लोग यहाँ पे पिक्चर्स ले रहे हैं, टिकटॉकर, तो इधर रुक गए हैं बीच में हयातआबाद के एरिया में, ये पीछे जो है ना हयातआबाद है, हयातआबाद पेशावर का बड़ा पोश एरिया है, लेट्स कंसीडर इट एज एफ सेक्टर नहीं है इस्लामाबाद में, तकरीबन ऐसा ही है हयातआबाद इधर, तो क्वाइट गुड सीन। टिकटॉकर अजीज सीन है, इधर पार्क टाइप लोग यहाँ घूम फिर रहे हैं, लेकिन पेंट शर्ट में लोग आपको बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगे। ये बड़ा लंबा वाला पुल है, तो इस पे जाके ऊपर से पिक्चर लेंगे, एरियल व्यू, एरियल व्यू। तो डिफाइन करो अजीज की ये ट्रिप किस तरह रहा तेरा? यार वर्ड्स ही नहीं है कि मैं इसको क्या कहूँ। यार हमारे जो ड्राइवर साहब हैं वो बहुत औसम बंदा है, बहुत कोऑपरेटिव है, हमारा ड्राइवर नहीं हमारा टूर गाइड का भी उसने सपोर्ट किया साथ में, हाँ हर चीज़ उसने प्रोवाइड किया है, तो उसका बहुत थैंकफुल है हम। एक साइड पे हयातआबाद वाली साइड से आ रहे हैं हम लोग, ऊपर जाएंगे वहाँ पिक्चर लेके वापस आए। ज़रा टूर को एक्सप्लेन करो क्या सीन है यार टूर, ये एंड प्लान जो कहते हैं ना ये हमेशा द बेस्ट टूर होता है। हम लोग आए थे कोई 4 दोस्त, तो ये कोई हमने प्लान नहीं बनाया था, बस अचानक से ये माइंड में पिक कर लिया, तो हम लोग उठ के आ गए। तो यार पेशावर इज द बेस्ट, डू विजिट पेशावर ब्रो। वाओ यार वाओ, मैं तो रिकमेंड कर देता हूँ कि बल्कि रमज़ान में नहीं, रमज़ान के बाद ही आ जाओ, ईद पे आ जाओ तो बहुत मज़ा आ जाएगा। अगर हम फिर भी इंजॉय कर रहे हैं लाइक
लाइक शौरी फूड जो नहीं है वो तो पीक पे है, लेकिन फिलहाल तो रमज़ान में हम नहीं खा सकते हैं, इफ्तार के बाद इंशाल्लाह वो भी ट्राई कर लेंगे। तो ये शावर ऑसम, शावर इज द बेस्ट एंड आई डू रिकमेंड शावर। ओके अजीज, थैंक यू। इस तरह जो है ना सीन है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर से बड़ा इम्प्रेस हुआ मैं। अजीज बता रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या सीन है, इम्प्रेस हुए कि नहीं रोड्स ब्रिजेस वगैरह से? ये तो कहते हैं कि खान साहब ने बड़ा काम किया इंफ्रास्ट्रक्चर पे यहाँ पे। इससे पहले भी था लेकिन अब ज़्यादा हुआ है। ये जो हम लोग ये हाईवे पे जो हाईवे कह रहा हूँ, फ्लाई ओवर पे जो चल रहे हैं, ये भी खान साहब ने बनाया है। वहाँ मेट्रो नज़र आ रहा है, हाँ ये खान साहब के करम से हुआ है। और ऐसे बहुत से काम हैं जिसने मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत काम किया इमरान खान ने यहाँ पे। और ये एक हम लोग कहेंगे कि पेशावर का एरियल व्यू यहाँ से है। अच्छा बेहतरीन। तो गाड़ियाँ नहीं आते यहाँ पे, यहाँ से हम अच्छे से एक व्यू पकड़ सकते हैं। अच्छा ये देखें, इस पुल से जो है ना पूरे पेशावर का व्यू है। ये हयात आबाद वाली साइड है, तो इस वक्त हम इस पुल पे मौजूद हैं, इस वाले पे। अरे भाई जो है ना अजीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो ये आप देखें, बेस्ट है यार यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, जो रोड नेटवर्क है वो खान साहब ने बेहतरीन बनाया हुआ है। रशीद भाई क्या सीन है, मज़ा आया कि नहीं? आज मज़ा आया। अनप्लान्ड हमारा वो था, रेंडमली हमने प्लान बनाया था, पेशावर आ गया, बड़ा मज़ा आया और इन्जॉय किया, बड़ा प्यारा शहर है लाहौर। तो ये जाओ लाहौर ज़्यादा बच्चा हुआ था ना, तो लोग जो ना अपने बातें कर रहे थे वो बस जो हर किसी को बता रहे क्यों गाय गाय कर रहे हैं, बता रहे हम लोग हम अपने बातें कर रहे हैं, बातें कर रहे What? Bro, what are you talking about, man? भाई का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद नूर ये आज का हमारा टूर गाइड, जिसने हमारा बहुत सपोर्ट किया सच में आपके लिए। लाइक हम सब की तरफ से थैंक यू सो मच। आपने पेशावर का इंट्रोडक्शन भी कराया, दिखाया भी हमें, लाइक भाई जैसा सलूक किया हमारे साथ, आपकी बड़ी मेहरबानी। बाकी पेशावर का ये यार हमारा एक्सपीरियंस ये, तो हम लोग फर्स्ट आए like we have been like we three before, like this was the first trip to be here, like shower is awesome bro, awesome, we come and go with shower, yeah, okay yeah. bro okay yeah. so bhai noor bhai ka hum aap number bhi denge इंशाल्लाह। तो ये जो बंदा पेशावर आना चाहता है तो आप इनको कॉन्टेक्ट करें, तो मतलब बड़े मुनासिब उसमें आपको शहर भर में घुमाएगा और जो है ना आपको सारा कुछ बताएगा। ना ही आपको टूर गाइड की ज़रूरत है, ना ही मतलब किसी और बंदे के। तो नंबर में ये साथ में लगा दूंगा। शरियार भाई आप भी आप अपना एक्सपीरियंस बता दें, क्या सीन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। अच्छा लाइक पेशावर में आना तो खैर ठीक बात है, लेकिन अच्छे लोग हैं वैसे, बाकी कुछ खास नहीं। अच्छा ज़बरदस्त लोग हैं भाई। टाइम बड़ा कम रह गया इफ्तारी के लिए, तो हम ये पुल से वापस जा रहे हैं। रशीद भाई पीछे आ रहे हैं, तो बाकी जवान जो है ना आगे जा रहे हैं। तो अभी जाते हैं, फिर बस शाम तक खाना पीना करके यहाँ से वापस निकलना है। शायद 9 बजे के करीब यहाँ से लास्ट गाड़ी निकलती है, तो हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उस गाड़ी में बैठ के ना हम फौरन निकल जाएँ। तो यार ये इस्लामिया कॉलेज जो आपको नोटों पे नज़र आता है, ये अंदर आपको नज़र आ रहा होगा, तो अभी टाइम कम है वरना तो हम अंदर जाके वहाँ से पिक्चर ले लेते। तो अभी पता नहीं क्या सीन बनता है। इस टाइम हम मौजूद हैं पेशावर के नमक मंडी में, यहाँ हमने उतर के इफ्तारी की है। इनकी मेहमान नवाजी का मैं आपको ये बताऊँ यार कि साथ वाले दुकान में चाचा जी हैं, उन्होंने हमें ये चीज़ें हमें दे दी है, क्योंकि हम लेट हो गए थे अफ्तारी के, तो उनकी वजह से हम यहाँ पे अफ्तार कर रहे हैं। तो अमेजिंग मैन, अमेजिंग चाचा जी ने हमारा बहुत मतलब अफ्तारी करवाया है, तो
वेरी थैंकफुल टू हिम। अभी भाई जिस चीज़ के लिए आए थे जर्सी टिक्का वो अभी खाने जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह ये दुम्बा जो है ना कट के बनेगा। जर्सी टिक्के की तलाश में जो है ना हम कहाँ से कहाँ निकल गए भाई, जर्सी टिक्के कहाँ पर हो, लोग लगे हुए ये सारे इफ्तार और टिक्का कढ़ाई जर्सी टिक्का। तो भाई हमारा ये टिक्का रेडी हो रहा है इस टाइम, तो ये आप देख सकते हैं चढ़ चुका है इस पे गरम गरम टिक्के दुम्बा नहीं ना। तो ये अभी जो है ना कुछ टाइम बाद रेडी होगा, इसके अलावा आपको दिखाते हैं कि इधर से गोश्त लेके ना इधर ये लोग फिर हमारे लिए कढ़ाई तैयार करेंगे। तैयार हो गया वो लेके जा रहे हैं, तो ये सीन है भाई। ये लवाजमात आ चुके हैं अभी कुछ देर में, जर्सी टिक्का और वो भी आएगा जर्सी कढ़ाई। भाई ये टिक्का आ चुका है जर्सी टिक्का, यार क्या बात है यार, क्या बात। भाई ये कढ़ाई और टिक्के आ चुके हैं, ये तो वही सारा मामला जीरो हो चुका है, सारों ने खा लिया है, अजीज अभी तक खा रहे हैं। बड़ा मीठा और वो था यार ना, बड़ा टेस्टी था, तो यूनिक फर्स्ट टाइम ये टेस्ट एक्सपीरियंस किया मैंने। और का मशहूर कवा आ चुका है ये भाई, गर्म गर्म कवा, गर्म गर्म कवा चाय, ये चीज तुम भाई आपके क्या तासुरात है यार? बड़ा मज़े का टूर रहा, ये कवा जो है ना वो क्या शानदार, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। तो बस यार खाना शाना खा लिया है, तो इट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस। तो अभी वापस जाएंगे अड्डे की तरफ, फिर वहाँ से पिंडी की तरफ निकलेंगे। ओके सर जी फाइनल हो गया, तो क्या राशिद भाई मज़ा आया कि नहीं? बहुत मज़ा आया, कि नेक्स्ट टाइम सर बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मासूम भाई आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू, बस इंशाल्लाह ईद को वापस आएंगे दोस्तों के साथ। मशहूर कुल्फी, इस कुल्फी वाले का क्या नाम है? इसका नाम यादगार कुल्फी, यादगार कुल्फी पेशावर का, ये सारा मार्केट की का यादगार कुल्फी, बड़ा टेस्टी बता रहे हैं, बड़ा टेस्टी, ट्राई करो आके। शरियार भाई कैसा है? बहुत ही अरे ये वापस अड्डे पे पहुंच चुके हैं, मदीना अड्डे पे ये टिकट ले लिया है, तो 9 बजे यहाँ से निकलेंगे इंशाल्लाह दोबारा पिंडी की तरफ। बहुत मज़ा आया। ओ भाई बस कुछ टाइम में अभी इस्लामाबाद के लिए निकलेंगे, तो जवान लोग आके बैठ गए इधर, ये लोग तो बस अभी कुछ देर में निकलेंगे इधर से। आप बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दोनों में याद रखिएगा, उम्मीद करता हूँ कि ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।